शांति। आज 9 नवंबर की मुरली है। आज हम सबके मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की जमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से? उत्तर, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी वंडर है ना। गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चों को परिचय मिला हुआ है। जानते हैं अभी हम बेहद के मात पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता मात पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है तो जरूर मात पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की साधना करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता, वह तो अनेक फादर हैं। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर इसका विनाश होगा। प्रायः लोप अक्षर तो हर बात में आता है, बच्चे जानते हैं सत्युग अभी प्रायः लोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सत्युग में उन्हों को यह पता होगा कि यह सत्युग प्रायः लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं, वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए हैं इसलिए आर्फन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज, माया से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, वह तो समझते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं, जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। यह भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझती। यह विषय सागर में डूबने लिए कितनी सेरेमनी करते हैं, उन्हों को यह पता नहीं है कि सत्युग में यह विकार होता नहीं, वह है ही क्षीर सागर। इसको विषय सागर कहा जाता है, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में दो कला कम हो जाती है तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ विकार हो नहीं सकते क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर, अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं,
बाप को भी नहीं जानते हैं, सिर्फ कहते रहते हैं कि यह करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं है। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं, तब ही फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी, इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली ही है, कहां भी मूंझो तो बाप से पूछो, तार में चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उसमें सिवाय तुम्हारी बाकी सब सोए रहते हैं, तो फोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधारते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट है गरीब तो खर्चा भी ऐसे ही करती है। इस समय तो सब जड़जड़ी भूत अवस्था वाले तमो प्रधान है, फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमोगुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने न तो इतना सुख देखा है न दुख देखना है, वह अभी सुखी हैं तब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, आखिरी समझेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर यह हमको मिला था। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बिचारे जानते ही नहीं, सुखदाता तो वह एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं। चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। यह चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना रिस्पेक्ट नहीं है, खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा और लाखों मरे, यहाँ तो मरने की बात ही नहीं। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। यह बाप भी है तो धर्मराज भी है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ, अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं जो होगा वह देखा जाएगा, दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे? मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए, वह जो कुछ करते हैं अल्पकाल के लिए, एब्जा फिर भी नर्क में ही मिलेगा। तुमको तो स्वर्ग में एब्जा मिलना है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो, हर बात में श्रीमद पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैनो पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ, तुमने बहुत दुख उठाए हैं। अब कहता हूँ तुम मुझे याद करो, तुम नंगे आए थे, यह पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना है। यह तुम्हारा अविनाशी पाठ है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है, यह कभी समाप्त नहीं होता। बाप ये कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पाठ बजाने,
कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज है यह कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी है, यह समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य चक्षु की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। यह किसको नहीं देता हूँ, यह भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है परंतु कोई बुद्धिमान समझे। यह टेप मशीन बहुत अच्छी चीज है, बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है। बहुत सिकीलधे बच्चे हैं। बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, नींद भी फिट जाती है। क्या युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयारी करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है, कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो यह कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बढ़ना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वह पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से भलवर्षा मिलता है परंतु वह क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं, नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं फिर छिपा कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है, शराब बिगड़ रह नहीं सकते, बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता है, समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है, यह छी शरीर छोड़ना है। उन्हों को कोई ज्ञान नहीं परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम आपे ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। यह पुरानी खाल है, जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती तो उतार देते हैं। तुम्हारी यह तो बहुत छी पुरानी खाल है, पाठ बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, मन मना भव, मुझे याद करो। बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, तो योग लगाकर बैठते हैं परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं वह जीव घात हो जाता है। यह सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं, बाबा का देखा हुआ है, वह हुआ हठ योग सन्यास। बाबा समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। देह अभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाबा आप ज्ञान के सागर हो, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए, भूलें तो होती रहती हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है, कर्म भोग भी तो चुकतु करना होता है। पिछाड़ी तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं, श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बढ़ना है। साथ में धर्मराज भी है,
तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? पतित पावन बाप को पतितों के महफिल में आना ही है, यह तो नई बात नहीं, अनेक बार पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे, इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, बाप समान सबको दुखों से लिब्रेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। नंबर दो, कोई भी विनाशकारी कर्तव्य नहीं करना है, श्रीमद पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है, कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान है वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिखकर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और कितने बार निभाया है। वायदा और फायदा, इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हों तो सफलता मूरत बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।